हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कैप। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके 1 साल तक के बच्चों को आप ये वाली कैप पहना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है ये क्राउन वाली टोपी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी टोपी के लिए ये कुछ फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं, जिसका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको बनाना है और कैसे मैं आपके साथ ये स्टेप बाय स्टेप सारा आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम जो उसके साथ बेल आइकन होता है ना, उसको आप ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो फंदे अपनी सिलाई में डाले हैं, ये देखिए मैंने 82 फंदे यहाँ पे डाले हैं। 82 फंदे मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाले हैं, और उसकी मैंने 10 सिलाइयाँ यहाँ पे बॉर्डर की बना ली हैं, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे बेबी बूल है। ये थोड़ी पतली बूल होती है। अगर आपकी थोड़ी सी भी मोटी बूल है तो आप यहाँ पे 8 सिलाइयाँ डालें, और मेरी ये बूल बहुत ज़्यादा पतली है तो मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ यहाँ बॉर्डर की डाली हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर भी मैंने यहाँ पे स्टॉकनेस स्टिच की जो है यहाँ पर 10 सिलाइयाँ ऊपर डाली हैं। ये देखिए, इस तरह से आप ये लाइनें भी गिन सकते हैं, जो उल्टी उल्टी लाइनें यहाँ पे, ये बीड्स की जो पर्ल की लाइनें आती है ना, ये 5 है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने ये 10 सिलाइयाँ यहाँ पे डाली हुई हैं। तो ये मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेन है और इसको दिखाने के लिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये आप अपने बना लें, 82 फंदे डाल के 1 साल के बच्चे की ये टोपी है। और इस तरह से ये बॉर्डर मैंने, इस देखिए, बॉर्डर डालने के बाद 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाई, उसके बाद यहाँ पे ऊपर 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाई और 10 ही सिलाइयाँ मैंने ऊपर बना ली। तो अब हमने क्या करना है कि आगे जो हमने इसको बनाना है, तो इसको देखिए किस तरह से हमने यहाँ पर बनाना है। इसके हमने पार्ट कर लेने हैं। जितने फंदे हमारे पास हैं, 82 फंदे हैं यहाँ पर, तो हमने 16 16 16 फंदों के यहाँ पे पार्ट करने हैं। तो यहाँ से 16, फिर 16, फिर 16, फिर 16, फिर 5 पार्ट इसके हो जाएंगे। इसके 2 फंदे बचेंगे तो वो हम यहाँ पे बीच में ले लेंगे उनको। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको अब किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, हमने सबसे पहले तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने 16 फंदे आके काउंट करके सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये 16 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए। अब हमने यहाँ से ही वापस मुड़ना है। देखिए किस तरह से यहाँ से हम वापस मुड़ जाते हैं, और ये जो पहले 2 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, इनको हमने यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। यहाँ पर हमने 2 का 1 कर लिया, उसके बाद आगे बाकी फंदे हम ऐसे सीधे सीधे ये उल्टी उल्टे बुनेंगे, उल्टी साइड पे। तो इनको हमने इस तरह से बुनते जाना है। इनको हमने लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाना है फ्रेंड्स। इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, अब हम आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे और इसकी दूसरी सिलाई पे। तो यहाँ पर भी हमने इस फंदे को ऐसे घुमा के ले लेना है सिलाई पे। इसको हमने घुमा के ले लिया, और अब हमने इन 2 का यहाँ पर इस फंदे को घुमा के लेने के बाद इसको ऐसे सिलाई पे लेना है, और इसका हमने इस तरह से ये फंदा ऐसे कम कर देना है। इसके ऊपर से पास कर दिया हमने एक फंदा। अब हमने इसको ऐसे लेना है सिलाई पे, और अगले 2 फंदों को ऐसे सीधा बुन लेना है इस तरीके से। तो जो हमारे पास एक फंदा एक्स्ट्रा था वो यहाँ पे कम हो गया। बाकी जितने फंदे बचे हैं उनको एंड तक हमने ऐसे ही सीधे बुनते जाना है। जहाँ पे हमने फंदा घटाया था ना, 16 फंदे पे, 16 स्टिचेस पे, यहाँ तक हमने इनको ऐसे ही बुनते जाना है।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इस साइड पे आ गए हैं, इस तरफ से हम यहाँ पे घूम जाएंगे उल्टी साइड को। तो अब हमने इन दोनों का एक कर देना है यहाँ पर। बाकी फंदों को हम एंड तक ऐसे ही बुनते जाएंगे, उल्टा उल्टा बुन के हमने आगे तक इनको बनाना है। तो इस तरह से आप ये आगे तक बुन लें। अब हमने लास्ट तक ऐसे ही बुन लिया, तो अब यहाँ पे भी देखिएगा, इस फंदे को हम ऐसे घुमा के ले लेंगे और इन दो फंदों का ना यहाँ पर फिर से एक बना देंगे। इस तरह से इन दो फंदों का हमने एक बना देना है, बाकी फंदों को हमने लास्ट तक ऐसे ही बुनना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बुनते हुए ना हमने दोनों तरफ से एक एक फंदे को घटाते जाना है, और इन्हीं फंदों को बार बार बुनते हुए ऊपर तक जब एक फंदा रह जाएगा ना, तब तक हमने इनको ऐसे ही बुनना है। यहाँ पे बिल्कुल एक लीफ जैसा बना देना है, एक पत्ती सी बन जाएगी। दोनों तरफ से कम होते होते जब ये एक सिंगल फंदा रह जाएगा, उतने तक आपने ऐसे ही बुनना है। एक फंदा इधर से घटाना है, एक इधर से घटाना है, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से। इसी तरह से आप इसको बनाइए, और मैं भी ऐसे बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक बना लिया इस तरह से, और एक ये फंदा रह गया। तो इसको अब हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ये लास्ट है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से धागे को हम कट करेंगे। इतना धागा कट कर दिया, और इसके अंदर से हम इस धागे को ऐसे निकाल देंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। तो इस तरह से हमारी देखिए लीफ बन के आ गई यहाँ पे, इस तरह से देखिए। तो ऐसे ही ना हमने आगे भी बना लेनी है, 16 16 फंदों को लेके आगे भी यहाँ से धागा जोड़ेंगे, और आगे 16 फंदे यहाँ तक इस तरह से बना लेंगे, फिर आगे 16 फंदे लेके, फिर आगे 16 फंदे लेके। तो इसी तरह से हमने इनको आगे बनाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी ये लीफ जो है इस तरीके से बन के आ गई, ये देखिएगा इस तरह से ये। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने लीफ बनाई है ना, उसके बाद जो जैसे हमारे पास ये धागा बचा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस धागे को इस तरीके से कवर कर दिया है। इसको आप सुई में पिरो लें, चाहे आप थोड़ा सा लंबा भी रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ना बैक साइड को, इसकी उल्टी साइड को इस तरह से, ये जो छोटे छोटे हमारे टांके हैं ना, ये इस तरीके से बस उल्टी साइड को ही निकाल लें, सीधी साइड को नजर ना आए। तो इस तरह से देखिए ये ऐसे बिल्कुल बंद हो गया, और इसी तरह से हमने इन धागों को भी अंदर इसी तरह से अंदर सिलाई में कवर कर देना है, अंदर की तरफ को, ठीक है। और ये वाला जो धागा है तो हमारी स्टिचिंग में काम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये धागा जो है अंदर कवर हो गया, और हमारी लीफ जो है ना, देखिए इस तरह से ये कैप की लीफ इस तरीके से बन के आ गई पूरी। तो अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा बन गया। अब हमने आगे का किस तरीके से बनाना है, तो ये जो हमने इस पूरे इसमें फंदे रखे थे 82, ठीक है, अब वो सारे फंदे बन के यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब आगे इस कैप को किस तरीके से बनाना है, कि ये जो हमारी यहाँ पे नीचे की लाइन है ना, यहाँ पर बॉर्डर के साथ, यहाँ से हमने अब फंदे उठाना शुरू करने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हमारी पहली सिलाई है ना, ये वाली जो सिलाई है, यहाँ से आपने इस तरह से फंदे उठाना शुरू करने हैं। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ वाइट धागा, क्योंकि मेरी जो सेट है उसके साथ का ये इस तरह से है, वाइट वाइट और ये ब्लू कलर का, फिरोजी कलर का कम्बिनेशन है। तो इस तरीके से मैं ये लगा रही हूँ, और यहाँ से हमने ये सारे फंदे, जितने हमारे यहाँ पे फंदे हैं, उनको हमने इस तरह से बुन के उठा लेना है इस तरीके से। तो फंदे आप ऐसे उठाएं कि आपकी उल्टी साइड जो है ना, इस तरफ को आए, इस तरफ को आपकी सीधी साइड आए। ये देखिए ऐसे करके, और ये जो आपका धागा जा रहा है, इसको आप इस तरीके से लेते जाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने पूरे यहाँ पे 82 स्टिचेस जो हैं इनको उठा लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम इसकी, ये हमारी उल्टी साइड होगी इस तरफ को, जब हम अब यहाँ पहुँचे हैं, और इसकी इस तरफ को सीधी साइड होगी, जो हमारा ये साइड है, इस साइड को सीधी साइड होगी। तो यहाँ पर अब हमने सारी सिलाई जो है ना, उल्टी उल्टी लगा लेनी है, यहाँ से लेके और एंड तक सारे फंदों को हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेना है इस तरह से। आप भी फंदे काउंट कर लीजिएगा, कि कहीं अगर बाय चांस थोड़े कम कम फंदे उठाए गए हो ना,
तो आप बीच में जैसे अभी हम जा रहे हैं ना इसको बुनते हुए, तो भी आप यहाँ से जैसे जो यहाँ कहीं स्पेस रहेगी हो तो उस तरह से आप उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जिस तरह से मैंने ये फंदे उठाए हैं, देखो ये सीधे के ऊपर भी एक फंदा है और यहाँ उल्टे के ऊपर भी एक फंदा है। तो इसी तरह से आप अगर उठाएंगे ना तो आपके भी पूरे पूरे फंदे यहाँ पे आ जाएंगे, कोई भी कम और ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए अब एक सिलाई यहाँ पे बन के ख़त्म हो गई। अब इसकी दूसरी सिलाई में हम बुनते हैं, ये हमारी सीधी साइड होगी। देखिए फ्रेंड्स इस साइड से सीधी साइड होगी। तो यहाँ पर देखिए ये पहले फंदे को स्लिप करना है और बाकी फंदे हमने सारे ऐसे ही बुनते जाना है, सीधे सीधे यहाँ से बुनना है। ये ध्यान रखिएगा इस तरह से ही हमने इनको सारे को बुनते जाना है। जिस साइड हमारी ये लीफ की उल्टी साइड है ना, उस तरफ हमारा ये सीधा साइड होना चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए दो सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे बन के ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी तीसरी सिलाई में। तो तीसरी सिलाई में देखिएगा किस तरह से हमने इसको बनाना है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और उसके बाद ना यहाँ पर जो हमारा ये लीफ है इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ से हमने एक फंदा, ये देखिएगा ये दो सिलाइयाँ हमारी बन के ख़त्म हुई हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ से भी हमारी ये दो ही लाइनें होनी चाहिए, एक और दो। और जो तीसरी सिलाई है ना इसका यहाँ से ये देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे स्लिप किया, उसके साथ का ही हमें ये फंदे को हम ऐसे उठाएंगे, अंदर की साइड को उठाना है, ज़्यादा गहरा नहीं उठाएंगे नहीं तो दूसरी तरफ आपका धागा जो है वो नज़र आएगा। इस तरह से पहले फंदे को स्लिप करने के बाद अगले फंदे के साथ हमने इसको देखिए इस तरह से बुनना है और इनको एक साथ एक फंदा यहाँ पे बना देना है इस तरह से। अब आगे हम पांच फंदे काउंट करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, आगे हमने पांच फंदे ऐसे बुन लिए। अब सेम इसी लाइन पे चलते चलते हमने यहाँ से भी ये देखिए इसके बिल्कुल यहाँ बैक से इसी तरह से हमने उठा लेना है। फिर से हम ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे इसके साथ इस तरह से बुन लेंगे। फिर हम पांच फंदे काउंट करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो इस सिलाई में ना हमने इसी तरह से आगे फंदे उठाते जाना है और इसी तरह से आगे इनको बुनते जाना है। हर पांच फंदे के बाद हमने इनको बुनना है। तो ये आपने दो सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर आप इसी तरह से करेंगे, फिर दो सिलाइयाँ बनाएंगे फिर इसी तरह से करेंगे। तो ऐसे ही आपने ऊपर तक ऐसे बनाना है। फिर मैं आगे फिर इतना बनाने के बाद फिर आगे मिलती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमने इसके ऊपर 32 सिलाइयाँ और बनानी हैं। जितना हमने ये बना लिया इसको भी काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद 32 और बनानी है ये पूरी ऊपर तक। तो इतना बना लेते हैं हम, फिर हम आगे बताते हैं कि आगे हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारी यहाँ तक हो गई 32 सिलाइयाँ। और फ्रेंड्स इसमें मैंने तीन सिलाइयाँ और डाल दी हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ये कम है। तो आप यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ से इसके ऊपर से हमने काउंट किया था जहाँ से हमने इसको जोड़ना शुरू किया था, उसके बाद हमने ऊपर तक 35 रोज़ यहाँ तक बनाई हैं। तो इतना हमने बनाने के बाद अब हमने इसकी जो है वो शेप देना शुरू करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पहले फंदे को हमने स्लिप किया और आगे चार फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने एक स्लिप करने के बाद चार फंदे सीधे बुने। अब यहाँ पर दो फंदे हमने एक साथ ऐसे सीधी साइड से बुनने हैं, दो का एक कर दिया। फिर हम आगे पांच फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर दो का एक करेंगे ऐसे सीधी साइड से। आपने इस तरह से दो का एक करना है। फिर पांच फंदे बुनने के बाद एक दो तीन चार पांच, फिर छठवां और सातवां फंदा जो है हमारा उनको हमने दोनों को एक साथ ऐसे दो का एक कर देना है। फिर पांच फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से पांच फंदे बुनने के बाद फिर से हमने
दो का एक करना है सीधी साइड से। तो इसी तरीके से ना फ्रेंड्स, ये सारा हमने लास्ट तक इसी तरह से पांच के बाद दो का एक करना है, पांच के बाद दो का एक करना है। तो इस तरह से ये सारी सिलाई को कंप्लीट करें। लास्ट में यहाँ पे, यहाँ जैसे दो का एक किया, उसके बाद यहाँ पे पांच फंदे बच जाते हैं हमारे, तो उनको हमने ऐसे सीधा बुन लिया। अब हम इसकी उल्टी साइड पे हैं, तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स सारी सिलाई जो है ना हमने उल्टी उल्टी बुन के ख़त्म करनी है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी फंदे सारे ऐसे पर्ल वाइज बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे हम सीधी साइड पे उल्टी साइड की सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना के हमारी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर पहले स्लिप करके हमने चार फंदे बुने थे, अब स्लिप करने के बाद हमने तीन फंदे बुनने हैं, दो और ये तीन। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इस फंदे के साथ हमने दो का एक किया था, अब हमने इन दोनों को एक करना है। इस फंदे के बाद हमने इन दो का एक करना है इस तरह से। तो ये दो का एक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे चार फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एक करना है सीधी साइड से, फिर धागे को आगे करके ऐसे आगे फिर से चार फंदे बुनेंगे। तो इसी तरह से ना हमने ये सारी सिलाई को ख़त्म करना है। ऐसे चार फंदे बुनने के बाद अब फिर से दो का एक करेंगे इस तरह से सीधी साइड से। इसी तरीके से हम इनको खटाते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे इसकी सीधी साइड पे, अब आगे हमने देखिए पहले फंदे को स्लिप करना है और आगे दो फंदे सीधे बुनने हैं। पहले फंदे को स्लिप किया, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक यहाँ पे दो। उसके बाद आगे के ये देखिए, जो यहाँ पे हमारी ये लाइन चल रही है ना, ऐसे ही हमने इनको इस तरह से सीधी साइड से दो का एक करना है। तो फिर से यहाँ पे अब हमने तीन फंदे आगे बुनने हैं सीधे, एक दो तीन। फिर आगे हम फिर से दो का एक करेंगे, फिर आगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन, फिर दो का एक करेंगे, फिर दो तीन फंदे सीधे, फिर दो का एक, फिर तीन फंदे सीधे, फिर दो का एक, फिर तीन फंदे सीधे। बस ऐसे ही सारी सिलाई को ऐसे ख़त्म करना है। और फ्रेंड्स अब ना हमें, जैसे यहाँ पे हमने हमने पांच फंदे यहाँ पे रह रहे थे, अब तीन फंदे यहाँ पे बुनने के बाद फिर हम यहाँ पर भी दो का एक करेंगे। तो इसी तरह से लास्ट में लास्ट तक बनाते जाएं। उल्टी साइड से फ्रेंड्स सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही बुन के ख़त्म करनी है और हर बार उल्टी ही बुननी है हमने इसमें। अब फ्रेंड्स देखिए उल्टी सिलाई ख़त्म हो गई, अब हम इसकी सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हमने यहाँ पर पहले फंदे को स्लिप करना है और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है। पहले फंदे को हमने स्लिप किया, एक को सीधा बुना। अब हमने ये दो फंदों का हमने एक करना है यहाँ पर, इस तरह से दो फंदा का हमने एक कर दिया। उसके बाद फिर आगे हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर हम दो फंदों का एक करेंगे, फिर आगे दो फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हमने आगे तक लास्ट तक इसको बनाते हुए जाना है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने एक फंदे को स्लिप करना है इस तरह से और आगे दो का एक करना है, फिर उसके बाद एक फंदे को बुनना है सीधा और आगे सीधा दो का एक करना है, फिर एक फंदे को बुनना है, फिर दो का एक करना है। इसी क्रम से ना हम ये सारी सिलाई जो है इसको बुनते हुए चले जाएंगे। फिर फ्रेंड्स देखिए उल्टी सिलाई बना के ख़त्म हो गई। और अब देखिए, अब हमने पहले हम एक फंदा बुन रहे थे, अब हमारे पास बीच में कोई फंदा नहीं बचा, तो अब हमने यहाँ पे सीधे ही दो का एक कर देना है। यहाँ पे दो का एक, फिर ऐसे दो का एक। अब हर फंदे को हमने दो का एक ही करते जाना है इसी तरह से। अब ये हमारे पास जितने भी फंदे हैं ना, इन सब का हमने इसी तरीके से घटाते चले जाना है। फ्रेंड्स आपकी ऊन मोटी है तो आप, यही इतना ही साइज ठीक है। अगर
बहुत बारीक ऊन है तो थोड़ा सा साइज आप बढ़ा लीजिएगा, कुछ सिलाइयाँ और नीचे से ऊपर को ज़्यादा सिलाइयाँ थोड़ी सी डाल लें अंदाजे से। और उसकी अगर आप इससे भी बड़े बच्चे का बना रहे हैं, साल से 2 साल के बच्चे का बना रहे हैं ना, तो फंदे ज़्यादा रखें। मैंने 82 फंदे रखे हैं, आप 90 स्टिचेस यहाँ पे रख लें, 92 रख लें या 95 रख लें, इस तरीके से आप फंदे जो हैं नीचे से स्टार्ट कर लें यहाँ से, तो आपका वो ठीक से आ जाएगा। और उसकी हाइट भी आपने बढ़ा लेनी है ऊपर को, जो इसकी लीफ की ये जो है इनमें आप फंदे बांट लें, एक बराबर फंदे आप बांट लें, 6 लीव्स आप बना सकते हैं, इसमें मैंने 5 बनाई हैं तो आप 6 बना लीजिए एक बराबर फंदे आप करके। और तरीका यही रहेगा उसको घटाने और बढ़ाने का जो भी है। और ऊपर को आप हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके 1 साल तक के बच्चे तक का है ये टोपी, और इसके ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, और इसमें नीचे से भी ज़्यादा फंदे लीजिएगा। तो अब हमारे पास ये जितने फंदे बचे हैं इनको हमने सुई में पिरो लेना है। अभी मेरे पास बचे हैं ये 13 स्टिचेस हैं, तो इनको मैं एक सुई में पिरो के ऐसे इकट्ठा कर लूँगी यहाँ पे। ये सुई में ऐसे धागा डाल लिया, अभी तक इसके साथ ही लगा हुआ है धागा, तो इसको हमने इस तरह से पिरो लेना है। ये सुई में धागा डालते हुए इस तरह से आप सुई में सारे फंदों को ले लीजिएगा। अभी मैं इसको थोड़ा लूज छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर एक पॉम पॉम लगाना है, तो वो भी हम यहाँ पर बना लेते हैं और इसको हम स्टिच कर लेते हैं नीचे तक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने इसको ऊपर से गोल कर दिया, ये देखिए सुई में धागा डालते हुए। और इसको अब हमने ऐसे करके एक बार सारे फंदों से फिर से निकाल देना है, दोबारा से इसकी एक बार निकाल के ऐसे दोबारा सिलाई हो जाएगी। जैसे मैंने ये 2 कलर से बनाया है ना, तो उसी तरह से हमने इसको इस तरह से लपेट लेना है हाथ पे। तो अब जैसे हमने ये बना लिया, उसके बाद हमने एक लंबा धागा ऐसे लेके इसको यहाँ से इस तरह से अंदर से इसको यहाँ से लपेट लेना है ये धागे को। और इसी धागे से यहाँ पे अच्छे से एक नोट बांधनी है। जो टोपी का ऊपर वाला किनारा है ना, इस धागे को हमने इसके अंदर से ऐसे यहाँ से निकाल देना है। यहाँ से देखिए सुई में धागा डाल लिया है, वही वाला धागा नीचे से निकाल के और इसको अच्छी तरह से यहाँ से टोपी के सिर के बिल्कुल ऊपर से ये यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको फिक्स कर देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी देखिए कैप कितनी प्यारी है, टोपी क्राउन जैसी बन के टोपी बिल्कुल रेडी है। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।